बारिश के चलते भिंड जिले की चंबल, सिंध, कुआरी जैसी नदियों का भी जलस्तर बढ़ने लगा है। वहीं मोहनी डैम से सिंध नदी में करीब 550 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए कलेक्टर सतीश कुमार ने रेस्क्यू टीम को एक बोट प्रदान की है। वहीं प्रशिक्षण के निर्देश भी दिए हैं। SDRF प्रभारी ब्रजमोहन ने बताया कि बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए उनके पास अभी 6 बोट और 4 इंजन हैं। इसके अलावा 2 इंजन की मांग और की गई है। ये आगामी मानसून को मद्देनजर रखते हुए तैयारी की जा रही है। 22 तारीख को कलेक्टर महोदय द्वारा और SP साहब द्वारा एक मीटिंग ली गई थी आपदा संबंधी, जिसमें निर्देशित किया गया था कि रोन और भरौली साइड में जो अपना ऊपर से पानी छोड़ा जाता है मोहनी डैम से, सबसे पहले वो वाले क्षेत्र प्रभावित होते हैं। तो आज वहाँ पर एक एक नाव डिप्लॉय करनी भरौली और रोन में, तो उसके लिए पहले तो नाव को टेस्ट कर रहे हैं, इंजन वगैरह सही से काम कर रहे हैं या नहीं।